सो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो, कैलक्यूलेट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ स्टील पाइप हैविंग एक्सटर्नल डायमीटर 22 mm एंड इंटरनल डायमीटर 16 mm. सो देखो ना, हमें यहां पे रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है. फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन के एक्स एक्स इक्वल टू के वाई वाई इक्वल टू के होता है ना, इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ आई अपॉन ए, याद है ना. सो सबसे पहले स्टेप में हम एरिया फाइंड करेंगे. ओके, एरिया का फॉर्मूला पाई बाय फोर इन ब्रैकेट कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, यहां पे एरिया मिल जाएगा. स्टेप टू में फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई, इसको हम इन जनरल आई बोलेंगे. सो आई इक्वल टू पाई बाय 64 इन ब्रैकेट कैपिटल डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4, मतलब हमें यहां आई मिल गया. एक बार ए एंड आई मिलने के बाद लास्ट स्टेप में क्या फाइंड करेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन. ओके, यहां पे एरिया का यूनिट रिवाइज करते चलो, एमएम स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट एमएम रेस टू 4, एंड रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट डिस्टेंस ना, दैट्स व्हाई इसका यूनिट क्या होता है, एमएम. ठीक है, तो चलो आप कैलकुलेशन करो, मैं आंसर डिस्प्ले करता हूं. ओके, तो स्टूडेंट आपने एग्जांपल सॉल्व किया ना, तो एक काम करो आंसर चेक करो, हम नेक्स्ट एग्जांपल शुरू करेंगे. कैलक्यूलेट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर डी, मतलब इस एग्जांपल में ना सॉलिड सर्कल दिया है ना. सो देखो, हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब के एक्स एक्स इक्वल टू के वाई वाई इक्वल टू के फाइंड करना है. सो सबसे पहले एरिया फाइंड करो, एरिया का फॉर्मूला पाई बाय फोर डी स्क्वायर. अब एरिया मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई इक्वल टू आई ना, क्या है फॉर्मूला, पाई बाय 64 डी रेस टू 4. सबसे पहले एरिया फाइंड करो, उसके बाद आई फाइंड करो, एंड देन फाइनली कैलकुलेट रेडियस ऑफ गायरेशन. ओके, चलो देखते हैं. अभी इधर देखो, फॉर सर्कल एरिया का फॉर्मूला पाई बाय 4 डी स्क्वायर. सो अब स्टेप वन में टू फाइंड आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई, क्या है फॉर्मूला, आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई इक्वल टू पाई बाय 64 डी रेस टू 4, ठीक है. एंड नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन, यहां पे रेडियस ऑफ गायरेशन के के इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ आई अपॉन ए. यहां पे मैंने क्या बोला था, आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई, मतलब आई ना. सो देखो यहां पे आई अपॉन ए. अब यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छी तरह से देखो, पाई पाई गेट कैंसल्ड. ओके, डी रेस टू 4 अपॉन डी स्क्वायर, मतलब यहां पे डी स्क्वायर बचेगा. एंड फाइनली देखो, 4 वन जा 4, 4 16 जा 64, मतलब यहां पे डिनोमिनेटर में तो सब खत्म हो गया, न्यूमरेटर देखो डी स्क्वायर अपॉन 16. सो देखो यहां पे नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर अपॉन 16. यहां पे ना डी स्क्वायर अपॉन 16 का स्क्वायर रूट लिया तो क्या हो जाएगा, देखो डी अपॉन 4, विच इज अवर फाइनल आंसर. समझ में आया ना. एक काम करो, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे ना, तो ये जो कैलकुलेशन का पार्ट है ना, दो बार सॉल्व करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिंपल है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, कैलक्यूलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 190 mm अबाउट बोथ द सेंट्रोडल एक्सिस. चलो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं. डायग्राम में सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का सेंट्रोइड और सेंट्रोइड से पास होने वाले दो सेंट्रोडल एक्सिस, ठीक है. हमें यहां पे ना क्या फाइंड करना है, आई अबाउट एक्स एक्स एंड आई अबाउट वाई वाई, मतलब एम आई अबाउट एक्स एक्स एंड एम आई अबाउट वाई वाई फाइंड करना है. ओके, तो देखो यहां पे डायमीटर गिवन है, अगर डायमीटर तैयार हो तो वी कैन कैलकुलेट रेडियस ना. रेडियस इक्वल टू
डी बाय टू, अगर कैलकुलेशन किया तो 95 mm, ओके ना। तो देखो अभी फॉर्मूले देखो, यहां पे ना एक्स एक्स डायमीटर को पैरेलल है, अगर डायमीटर को पैरेलल हो ना तो अबाउट दैट एक्सिस एम आई का फॉर्मूला 0.11 r^4, ओके। और वाई वाई कैसा है, देखो डायमीटर को परपेंडिकुलर है ना, डायमीटर को वाई वाई कैसा है, परपेंडिकुलर, अबाउट दैट परपेंडिकुलर एक्सिस एम आई का फॉर्मूला पाई बाय 8 r^4 है, ओके ना। फॉर्मूले याद रखो, एक्चुअल कैलकुलेशन शुरू करेंगे। देखो अभी सबसे पहले गिवन में डायमीटर दिया है 190 mm, सो रेडियस क्या आएगा 95 mm, डायमीटर के हाफ। चलो कैलकुलेशन में एम आई अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू डायमीटर, मतलब आई एक्स एक्स, और आई एक्स एक्स का फॉर्मूला 0.11 r^4, ओके। वैल्यू पुट अप करो, कैलकुलेशन करो, वी विल गेट आई एक्स एक्स। उसके बाद एम आई अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस परपेंडिकुलर टू डायमीटर, देखो ना डायमीटर को कौन परपेंडिकुलर है, वाई वाई, सो आई वाई वाई इक्वल टू पाई बाय 8 r^4। वैल्यू पुट अप करो, ओके। वैल्यू पुट अप करने के बाद कैलकुलेशन करो, हमें क्या मिल गया, एम आई अबाउट वाई वाई, मतलब परपेंडिकुलर टू डायमीटर, ओके। राइट डाउन नेक्स्ट एग्जांपल, देखो अभी कैलक्यूलेट पोलर एम आई ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 60 mm, अल्सो कैलक्यूलेट मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, डायमीटर इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो देखो ना डायमीटर इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस कंडीशन का यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सो सेमी सर्कल की पोजीशन कैसी होगी, देखो ऐसी होगी ना, यहां पे डायमीटर इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो चलो एक्सिस लेंगे सेंट्रोइड जी, यहां पे डायमीटर कितना दिया है 60 mm, सो रेडियस कितनी आएगी 30 mm, ये तो डायग्राम हो गई। हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखो हमें लास्ट को ना के मिनिमम फाइंड करना है, के मिनिमम, अगर मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या आएगा, आई मिनिमम अपॉन ए आएगा। सो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे ना, सेमी सर्कल है ना, एरिया कितना आएगा 1/2 πr², ओके एरिया मिल गया। उसके बाद हमें आई मिनिमम चाहिए, अब देखो ना आई मिनिमम के लिए हमें किसकी जरूरत है, आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई की जरूरत है। अब देखो ना यहां पे ना एक्स एक्स कैसा है, डायमीटर को परपेंडिकुलर है, और एक बार एक्स एक्स डायमीटर को परपेंडिकुलर है, इसलिए आई एक्स एक्स क्या आएगा पाई बाय 8 r^4, ओके। और वाई वाई जो है ना वो डायमीटर को पैरेलल है, इसीलिए आई वाई वाई 0.11 r^4, ठीक है। अब एक बार आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई मिल जाए ना, सो दोनों में से जो स्मॉलर है ना, दोनों में से जो स्मॉलर है वो क्या हो जाएगा, आई मिनिमम हो जाएगा। अब आई मिनिमम मिल गया, एरिया मिल गया, वी कैन कैलकुलेट के मिनिमम, ओके। एट द सेम टाइम पोलर एम आई भी पूछा है, मतलब आई पी, और आई पी इक्वल टू क्या होता है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, सो वी कैन कैलकुलेट आई पी ऑल्सो। समझ में आना कैलकुलेशन, ओके। चलो एक्चुअल कैलकुलेशन शुरू करेंगे अभी। देखो ना एक्चुअल कैलकुलेशन में सबसे पहले गिवन में क्या दिया है, डायमीटर 60 mm, सो रेडियस हाफ 30 mm, ओके। सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, एरिया ना, देखो ना एरिया इक्वल टू 1/2 πr², सर्कल का एरिया पायर स्क्वायर ना, सो सेमी सर्कल का हाफ पायर स्क्वायर, ओके हाफ पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशन करो, हमें क्या मिल जाएगा, एरिया। उसके बाद देखो ना टू फाइंड एम आई, अब एम आई में ना
एम आई अबाउट हॉरिजॉन्टल सेंट्रल एक्सिस, मतलब आई एक्स एक्स, यहां पे एक्स एक्स डायमीटर को परपेंडिकुलर, इसलिए पाई बाय 8 आर रेस टू 4, कैलकुलेशन करो, ओके क्या मिल जाएगा आई एक्स एक्स, ओके उसके बाद क्या फाइंड करना है, एम आई अबाउट वर्टिकल सेंट्रल एक्सिस मतलब आई वाई वाई। अब देखो ना वाई वाई डायमीटर को पैरेलल, इसीलिए 0.11 आर रेस टू 4, ओके वैल्यू पुट अप करो, क्या मिल जाएगा हमें आई वाई वाई मिल जाएगा। अब दोनों को कंपेयर किया ना तो आई एक्स एक्स से आई वाई वाई स्मॉल है ना, सो ए आई वाई वाई हमारे लिए क्या है आई मिनिमम है, हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है, ओके नेक्स्ट स्टेप पोलर एम आई। अब पोलर एम आई में आई पी इक्वल टू क्या होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, दोनों तैयार है ना, जस्ट वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो, वी विल गेट पोलर एम आई। अब पोलर एम आई मिलने के बाद लास्ट स्टेप टू फाइंड मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब के मिनिमम, के मिनिमम इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ आई मिनिमम अपॉन ए, यहां पे आई मिनिमम कौन है आई वाई वाई ना, सो देखो स्क्वेयर रूट ऑफ आई वाई वाई अपॉन ए, वैल्यू पुट अप करो, स्क्वेयर रूट ऑफ आई वाई वाई की वैल्यू अपॉन एरिया की वैल्यू, कैलकुलेशन करो, फाइनली वी गेट के मिनिमम, ओके राइट डाउन। तो देखो एग्जांपल, इफ पोलर एम आई ऑफ अ सर्क्यूलर सेक्शन इज 2000 mm रेस टू 4, देन कैलक्यूलेट डायमीटर ऑफ द सेक्शन। इसमें ना सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का पोलर एम आई गिवन है, हमें डायमीटर फाइंड करना है, ओके तो फॉर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन आईपी का फॉर्मूला क्या है, आईपी इक्वल टू पाई बाय 32 कैपिटल डी रेस टू 4। सो यहां पे आईपी गिवन है, कैपिटल डी फाइंड करना है, सिंपल है ना। चलो एक्चुअल कैलकुलेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले गिवन, गिवन में क्या दिया है आईपी इक्वल टू 2000 एम एम रेस टू 4, ओके देन फॉर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन आईपी इक्वल टू पाई बाय 32 इंटू डी रेस टू 4। हमें यहां पे ना डी रेस टू 4 का फॉर्मूला तैयार करना है, सो अपॉन 32 इधर गया इंटू 32, देखो ना 32 इंटू आईपी अपॉन ये जो पाए ना इधर आया तो अपॉन पाए इक्वल टू क्या डी रेस टू 4। सो हम यहां पे आईपी की वैल्यू पुट अप करेंगे, तो देखो डी रेस टू 4 इक्वल टू 32 इंटू क्या है आईपी की गिवन वैल्यू अपॉन पाए, कैलकुलेशन करो, देखो ना हमें डी रेज्ड टू 4 की वैल्यू मिली, हमें डी फाइंड करना है ना, सो डी इक्वल टू दिस वैल्यू रेज्ड टू 1/4। और एक बार ये डी रेज्ड टू 4 की वैल्यू है, हमें डी फाइंड करना है ना, सो डी इक्वल टू क्या आएगा दिस वैल्यू रेज्ड टू 1/4, ओके कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, हमें आंसर मिल जाएगा 11.947 mm, नियरली इक्वल टू 11.95 mm, विच इज अवर फाइनल आंसर। समझ में आया, चलो सॉल्व करो नोटबुक में। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड एम आई ऑफ सॉलिड सर्क्यूलर लैमिना ऑफ डायमीटर डी अबाउट इट्स टेंजेंट, ओके तो चलो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम में ना ये क्या है सॉलिड सर्क्यूलर लैमिना, लैमिना का सेंट्रोइड, सेंट्रोइड से पास होने वाले हॉरिजॉन्टल सेंट्रल एक्सिस एंड वर्टिकल सेंट्रल एक्सिस, ठीक है उसके बाद सर्कल का डायमीटर डी है, ओके और हमें एम आई अबाउट क्या फाइंड करना है टेंजेंट ना, सो हमने क्या ड्रॉ किया यहां एबी, एबी क्या है टेंजेंट, ठीक है यहां तक। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखो, इफ एक्सिस पासेस थ्रू सेंट्रोइड देन उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला तैयार है, मतलब फॉर दिस सर्कल आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, मगर हमें एम आई अबाउट ए बी फाइंड करना है, ए बी
नॉट पासेस थ्रू सेंट्रोइड. और एक बार, ए बी नॉट पासेस थ्रू सेंट्रोइड. देन इन दिस केस यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो देखो, हमें यहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है. क्या है देखो, आई ए बी, ए बी मतलब टेंजेंट ना, तो देखो ना, आई ए बी मतलब आई अबाउट टेंजेंट इक्वल टू, देखो ना, ए बी को पैरेलल कौन है, एक्स एक्स सेंट्रल एक्सिस है. सो आई ए बी इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर. ए मतलब जिसका एम आई कैलकुलेट करना है उस सेक्शन का एरिया, एंड एच मतलब हम एम आई अबाउट ए बी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, सो ए बी से जी का डिस्टेंस, ए बी से जी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एच. यहां पे एच कितना है, इक्वल टू रेडियस इक्वल टू हाफ द डायमीटर. ठीक है, सुनो वैल्यू पुट अप करेंगे. अब यहां पे ना आई एक्स एक्स मतलब पाई बाय 64 डी रेस टू 4. आई एक्स एक्स का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, आई एक्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 64 डी रेस टू 4 प्लस एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर, एच इक्वल टू डी बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, अभी फर्स्ट पार्ट एज इट इज. यहां पे देखो ना, डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर मतलब डी रेस टू 4 अपॉन में 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 इंटू 4 16, सो पाई बाय 16 इंटू डी रेस टू 4. अब देखो ना, यहां पे डी रेस टू 4 है मगर अपॉन में 64 है, इधर 16 है ना, अगर यहां पे 64 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो देखो ना, हम यहां पे 4 एडजस्ट करेंगे. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट, यहां पे 64 है और 4 इंटू 16 मतलब 64 हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट विल बी पाई बाय 64 डी रेस टू 4 एज इट इज. यहां पे 4 पाई बाय 64 डी रेस टू 4. अब नेक्स्ट स्टेप, यहां पे डी रेस टू 4 है, यहां पे भी डी रेस टू 4 है, यहां पे 1 पाई बाय 64 प्लस 4 पाई बाय 64. और एक बार, 1 पाई बाय 64 प्लस 4 पाई बाय 64 मतलब 5 पाई बाय 64 डी रेस टू 4. दिस इज अवर फाइनल आंसर. ओके, राइट डाउन.